तो जो आज का हम लोग टॉपिक लेके चलेंगे बड़ा हम मिसलिनियस टाइप की चीजों को लेके चलेंगे, क्योंकि आज का जो सब्जेक्ट है किसी विशेष टॉपिक पे नहीं है, उसमें कई एक टॉपिक है। जैसे कुछ एक नई योजनाएं भी आई हैं और कुछ एनजीओ मित्रों ने शुरू किया है, उसके बारे में बातें भी होंगी और कुछ नए टर्म मेरे पास अक्सर आ रहे हैं उस बारे में बात होगी और कुछ सीएसआर से संबंधित बातें होंगी। तो आज जो सबसे पहला टॉपिक ये मैं बता रहा हूँ आपको कि जो आप लोगों का इतना प्यार मिला है और इतना ज्यादा सपोर्ट मिला है कि मैं आप लोगों को ईमानदारी से बताऊं कि जो भी मेरे पास कमेंट आते हैं वो आप लोग के लिए भी विजिबल है, आप देख सकते हो उसमें, और बहुत से व्हाट्सएप पे जो आते हैं। हम मित्रों, मैं जरूर एक बात पर जरूर माफी मांगना चाहूंगा आप लोगों से, क्योंकि हर एक मैसेज का जवाब मैं नहीं दे पाता, क्योंकि इतने ज्यादा मैसेज आते हैं कि जवाब देना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है। मेरे पास थोड़े से अपने काम भी रहते हैं और थोड़ी सी व्यस्तताएं रहती है, इसलिए वो मैं नहीं दे पाता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ ज्यादातर का देने का। अरे, और दूसरी चीज कि आप लोगों के ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं जिसमें इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी रहती हैं कि मैं बता भी नहीं सकता, बस पढ़ने के बाद थोड़ा सा लगता है कि यार ठीक है, जो अपना प्रयास है उससे कई लोगों को फायदा हो रहा है, तो बहुत अच्छी चीज है, इसको और भी करना चाहिए। तो उसी क्रम में हम लोगों ने फिर एक शुरू किया है, वेबसाइट शुरू किया है ngomitra.co.in, इसका लिंक मैं अभी दे रहा हूँ। वहां पे आप संस्थाओं से संबंधित ही इन्फॉर्मेशन पाएंगे, लेकिन वहां पे आप लिखित रिटन फॉर्म में पाएंगे जो भी हमारे अपडेट्स आते हैं या फिर जो भी प्रोजेक्ट से संबंधित आएंगी वो सारी इन्फॉर्मेशन पाएंगी। और उसमें कई एक सुविधाएं भी दी जाएंगी कि कोई एनजीओ अपने आप को प्रमोट करना चाहता है तो वो भी वहां पे प्रमोट कर सकता है। कोई उसका अपना टॉपिक है या कोई ऐसा काम कर रहा है या फंड रेज का काम कर रहे हैं या कोई प्रोडक्शन काम कर रहे हैं तो उसको भी वो करना चाहें तो वहां से अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। तो वो वहां पे भी हम, मैं चाहूंगा कि आप लोग सपोर्ट करें, उसको भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप ही लोगों के सपोर्ट से और प्यार से कोई चीजें आगे बढ़ती हैं। आज देखिए, करते करते आज इस चैनल में इतने ज्यादा सब्सक्राइबर आ गए हैं कि एनजीओ से रिलेटेड फील्ड में किसी भी चैनल में मेरे ख्याल से शायद सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे, तो ये बहुत बड़ी चीज है और ये सब आप लोगों का प्यार है और सहयोग है। तो आज का दूसरा जो चीज है कि एक मेरे पास अक्सर मैसेज आते हैं कि मेरी संस्था सीएसआर बेस पे काम कर रही है और मैंने काम किया लेकिन मुझे पेमेंट नहीं मिला, और तो मैं वो पूछते कैसे मैं जानूं कि वो वाकई में सीएसआर का फंड था। तो मैं कई बार पहले भी वीडियो में बताया है कि अगर सीएसआर का फंड आता है तो सबसे बड़ी बात तो आप ये जानें कि सीएसआर के फंड किस किस टाइप की कंपनी दे सकती है, इसके बारे में मैंने पहले भी दिखा रखा हुआ है और उसके लिंक मैं इस वीडियो में भी दे दूंगा जहां पे इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। और उसके बाद से आप ये जानें, ठीक है, कोई कंपनी सीएसआर अपनी तरफ से भी दे सकती है, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं कि जो मानक हो उसी के अनुसार वो दे या इतना प्रॉफिट हो तभी दे, अपनी तरफ से भी दे सकती है, लेकिन उसका एक ऑथराइजेशन जरूर देती है, वो बगैर ऑथराइजेशन के नहीं देगी, अदरवाइज कंपनी को कोई फायदा नहीं है, आप कोई उनके कोई भी क्रेडिट नहीं बनेगी। तो इस पे आप जरूर ध्यान रखें जो संस्थाओं, क्योंकि इसी के आड़ में बहुत सी क्या चीजें हो रही हैं कि तरह तरह की, क्या होता है कि सीएसआर की योजना के तहत आइए मेरे यहाँ से प्रोजेक्ट लीजिए, इतना पैसा जमा कीजिए प्रोजेक्ट लीजिए। कोई भी कंपनी सीएसआर का प्रोजेक्ट देने के लिए पैसा आपसे नहीं जमा करवाती है, ठीक है, पैसा होता है, जमा होता है, लेकिन वहां पे जैसे आप एनजीओ के लिए टेंडर का काम होता है जहां पे बिल्डिंग होती है तो वो एक डिपॉजिट होती है, लेकिन वो एक प्रोसेस के तहत होती है। अब वो जो एजेंसी होती है वो ऑथेंटिक होती है, गवर्नमेंट की भी बॉडी होती है, तो वहां पे आपको किसी प्रकार कोई शंका नहीं रहती है। लेकिन यहाँ पे छोटी छोटी एजेंसी भी आई है, आप इतना डिपॉजिट कर दीजिए तो ये हमारे, हम मैं आपको प्रोजेक्ट दे दूंगा, उसके बाद से पेमेंट भी नहीं मिलता है, तो आप अगर इस भ्रम में पड़ जाते हैं और किसी न किसी कंफ्यूजन में आके फिर आप लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर आप कहते हैं कि मैं सीएसआर का प्रोजेक्ट चलाया और फिर उसके बाद आपको लगता है सीएसआर जैसी चीजें गलत होती है, तो ऐसा नहीं है। सीएसआर एक ऐसा चीज है जिसकी वजह से बहुत सी संस्थाएं चल रही हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और लेकिन हर एक सीएसआर के पीछे उसका एक लेटर या एक अथॉरिटी ऑथराइजेशन जरूर होता है। अगर आपको भी कहीं से सीएसआर के ऑफर मिल रहे हैं तो आप ऑथराइजेशन जरूर देखिए, ये देखिए कहाँ से मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, क्या वाकई में ये पेपर जेन्युइन है कि नहीं है, क्योंकि उसमें सारे नाम, पते, ईमेल आईडी, फोन नंबर सब कुछ रहेगा, आप वहां पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। बगैर उसके आप उसके मत इन्वॉल्व होइए, क्योंकि हो सकता है कि आपके साथ कुछ कंफ्यूजन हो जाए या फिर आपका समय और पैसा थोड़ा दोनों लॉस हो जाए, तो इन बात का आप जरूर ध्यान रखिए। अच्छा, तीसरी जो चीजें आती है, अक्सर मेरे पास एक अजीबोगरीब टर्म आता है, यू टर्न कराना है।
पता नहीं, मुझे तो आज तक समझ नहीं आया यू टर्न क्या होता है, वी टर्न क्या होता है, सी टर्न क्या होता है, लेकिन ये यू टर्न क्या होता है वाकई मुझे नहीं समझ में आता है। अगर आप में से किसी कोई सज्जन इस चीज को समझा सकते तो जरूर बताइए कि ये यू टर्न क्या है। और दूसरी चीज कि अगर आगे पास कोई फंड आता है किसी एजेंसी के पास या किसी एनजीओ के पास, तो वो आप इन चीजों को समझिएगा कि किसी भी फंड को आप किसी प्रोजेक्ट के अगेंस्ट लेते हैं तो उसमें वहां इस टाइप के टर्निंग चीज का कोई लेना ही देना नहीं है। आपके पास प्रोजेक्ट आया, आपके पास फंड आया, आपको प्रोजेक्ट असाइन करना है, रिपोर्ट लगानी है, तो वहां पे आपके लिए तो बड़ा सिंपल सादा एकदम सीधा साधा रास्ता है। और इस प्रकार किसी कंफ्यूजन में शायद नहीं आना चाहिए जिसकी वजह से आपका टाइम भी लॉस हो और कुछ आपके द्वारा किए गए प्रयास भी लॉस हो। पैसे की बात तो मैं नहीं बता सकता कि क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन ये यू टर्न मेरे लिए काफी नया एक टर्म है जिसको मैं समझ में वाकई में नहीं पाता हूँ कि यू टर्न क्या है क्या है। और दुनिया भर के पेपर भी मांगे जाते हैं कि ये पेपर दे दो, वो पेपर दे दो, इररिलेवेंट पेपर्स भी होते हैं। इसीलिए एनजीओस आप सीधा साधा काम करिए, जो समझ में आती है चीजें वही अच्छी होती है जो समझ में आती है, जो आपको एक अच्छे रास्ते पे ले जाती है, जो आपको आपकी मंजिल या आपका टारगेट पॉइंट क्या है वो दिखता है। जैसे हमने प्रोजेक्ट लगाया, मिला तो सरकार से फंड मिला, नहीं मिला तो हमने सरकार में प्रोजेक्ट लगाया, मुझे पता चला कि मैंने यहाँ पे मेरे अंदर कमियां थी जिस वजह से मुझे प्रोजेक्ट नहीं मिला, तो ये एक आपका टारगेट बेस्ड मैटर हो गया ना कि आपको पता है कि आप कैसे फंड पा पा रहे हो या कैसे अप्लाई कर पा रहे हो और क्यों नहीं पा पा रहे हो, ये समझ में आता है। और जहां पे आपको एंड ही न दिखाई दे यार कहाँ जाना है, कहाँ से पैसा आना है, कहाँ से फंड आना है, मेरा एप्लीकेशन कहाँ जाना है, किस पॉइंट तक जाना है, रिजेक्ट हुआ तो क्यों रिजेक्ट हुआ, तो वहां पे क्या मतलब है, बहुत कंफ्यूजन है। इतना कंफ्यूजन लेके आप कैसे चलेंगे, तो उन चक्करों में आप अपना टाइम मत दें, सीधा सीधे सिस्टम पर रहें। प्रोजेक्ट पाना है, आपको पता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट का है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, महिला कल्याण का है, जिस भी कंसर्निंग उसका है, आप उससे संबंधित काम कर रहे हो तो आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, आप अप्लाई करो प्रोजेक्ट मिलेगा, सारा कुछ ऑनलाइन है, कोई भी कुछ नहीं छिपा सकता है, हर कुछ एक एक पॉइंट ऑनलाइन है। गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी चीजें की हैं कि ऑनलाइन आप सारी इन्फॉर्मेशन लीजिए, ऑनलाइन आप अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत आती है तो किसी एक्सपर्ट से राय ले लीजिए, लेकिन वहां भी आप अलर्ट रहिए कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर किसी ने आपके अगेंस्ट सॉरी आपके बिहाफ में प्रोजेक्ट भी लगा रहा है तो वहां पे आप ही का ईमेल, आप ही के मोबाइल नंबर इस्तेमाल होते हैं। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए कि अगर आप किसी से करवाते तब भी वो आप ही की जो क्रेडेंशियल है उसी को यूज करें ताकि वो चीजें आप तक सेफ रहे। तो ये चीज आप कर सकते हैं अगर नहीं लगाने खुद नहीं जान पा रहे हैं तो इतना सिंपल सा चीज है, फिर भी दुनिया भर की चीजें हो रही हैं और लोग उसमें फंस रहे हैं। मेरे पास बहुत से मैसेज आते हैं कि मेरा इतना पैसा फंस गया और यहाँ से इतना पैसा फंस गया और सीएसआर में इतना पैसा फंस गया, मैंने काम कराया, बच्चों को पढ़ाया, लेकिन मुझे पेमेंट नहीं मिला। तो नहीं समझ में आता है कि इसके पीछे वजह क्या है। कहीं ना कहीं बस वही चीजें हैं कि चली आ रही हैं और आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं और शायद उसका फायदा भी कुछ लोग उठा ले जा रहे हैं। तो इन चीजों को जरूर जानिए, सब कुछ है, सब संस्थाओं को फंड मिल सकता है, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना होगा और आपका अप्रोच एकदम सही होना चाहिए जिस अप्रोच से आपको फंड मिल सके। आप अपने अप्रोच को डेविएट मत कीजिए कि आप इधर भी जा रहे हैं उधर भी जा रहे हैं कुछ भी कर जा रहे हैं, कोई भी कह दे रहा आओ तुम्हें मैं प्रोजेक्ट दिला दे रहा हूं, आप उसके पीछे भाग रहे, किसी ने कहा कि आओ 2 लाख दो मैं तुम्हें 25 लाख का प्रोजेक्ट दिला दूंगा, आप उसके पीछे चल दोगे, जाहिर सी बात है कि पता नहीं कौन कैसे क्या दिला देगा, लेकिन आपका टाइम और पैसा तो जरूर बर्बाद हो सकता है। तो ये चीजें आप जानिए, सारा एक एक मैं कई बार समझा चुका हूं इस वीडियो के माध्यम से कि एक एक चीज गवर्नमेंट ने अब ऑनलाइन कर दिया है, एक एक चीज ऑनलाइन है, आपको हर कुछ की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, कुछ भी खोजना चाहे सब मिल जाएगा, फिर आप क्यों कंफ्यूज होंगे, चाहे वो सीएसआर का हो, चाहे एफसीआरए का हो, चाहे गवर्नमेंट के हो, या आपकी कोई अमेंडमेंट हो रहा है, एफसीआरए में कुछ नई चीजें हो रही हैं उसकी भी सूचना है, सोसाइटी से संबंधित हो रही उसकी, अब तो सारी सोसाइटीज भी मैक्सिमम जगह मैक्सिमम स्टेट में जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुका है, वहां भी सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, एक एक चीज ट्रांसपेरेंट है कि आपके सामने आप अपलोडिंग कर रहे हैं, आपके सामने सारी चीजें जा रही हैं। लेकिन इसमें आपको दो चीजें बहुत ध्यान देखनी पड़ेगी कि जब भी आप काम कराइए
तो अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी अपनी ही इस्तेमाल कीजिए, दूसरे का मत कीजिए। खुद बनाइए अपना मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर खुद यूज कीजिए, ईमेल आईडी अपना यूज कीजिए, फिर दूसरा कोई भी करेगा तब भी वो बदल नहीं सकता है, क्योंकि जब भी बदलेगा आप तक सूचना आ जाएगी। तो इन चीजों को जरूर ध्यान रखें, तब आप किसी की सहायता ले सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप हर कुछ जाने। आप ले सकते हैं किसी एक्सपर्ट से की सहायता ले सकते हैं, कंसल्टेंट की सहायता ले सकते हैं, लेकिन चीजों का आप अपने से इस्तेमाल कीजिए। जो आपकी चीजें हैं, जो आपका लॉगिन बन रहा है, जो आपका अकाउंट बनता है ईमेल आईडी का इसके बेस पे और यूनिक आईडी के बेस पे और मोबाइल नंबर के बेस पे, वो आपका स्वयं हो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, यूनिक आईडी तो आप ही की है, तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखिए। आप फिर उस बेस पे आप अप्लाई कीजिए, तो फिर आपको सारी चीजें मिलेंगे। तो मेरे कहने का कुल मिला जुला के मतलब इस वीडियो के माध्यम से यही मतलब था कि इस वीडियो में हमने हालांकि बड़ी मिसलिनियस चीजें की। हाँ, तो देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी कि एक प्रोजेक्ट निकला हुआ है योगा पार्क का, ठीक है, जो दिल्ली से निकला हुआ है, उसका मैं लिंक इसमें दे दूंगा, आपके इस वीडियो में दे दूंगा। दिल्ली से निकला हुआ है, करीब करीब हर एक शहर में वो जाएगा, हर एक शहर के लिए है वो। आप उसको फॉर्मेट बेस्ड है, प्रोजेक्ट फॉर्मेट बेस्ड है, आप उस प्रोजेक्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको योगा में आपके पास एक्सपीरियंस है तो। आपको वहीं के किसी पार्क में योगा कराना होगा और छोटा सा अमाउंट है, लेकिन वो आपके संस्था के लिए काफी बल देगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बनेगा और आप अप्लाई कर सकते हो। तो आप चाहो तो उसको वहां पे अप्लाई करो, इजी प्रोजेक्ट है, बहुत आराम से आप कर लोगे और आपका समाज में नाम भी होगा, क्योंकि इसमें कई लोग इन्वॉल्व होंगे जिनको आप योगा सिखाएंगे। तो ये चीजें हैं जिसको आप कर सकते हैं और बड़े आराम से आप अपने संस्था को स्टेब्लिश करोगे। इतना तो फंड आपको मिल ही जाएगा इस प्रोजेक्ट के माध्यम से कि आप अपने संस्था को थोड़ा स्टेब्लिश जरूर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी मित्रों जो मैं आपको बताना चाह रहा था। नमस्कार, जय हिंद।